इस प्रकार से आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि डोंट जस्ट रन कि मुझे सिलेबस खत्म करना है ये बुक जो है रिकमेंड करी जाती है बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज है इस बुक के अंदर आपको एक स्टोरी लाइन मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम इट इज नेसेसरी इट इज इंपॉर्टेंट एंड आई प्रोमिस यू दैट अगर आप इसको एक बार कर ले जाओगे इसके बाद आप दुनिया की कोई भी किताब उठाओगे यू डोंट नीड एनी सोर्स ऑफ एनी टाइप ऑफ कोचिंग एनी टाइप ऑफ हेल्प जय हिंद नमस्कार एवरीवन स्वागत है आप सभी लोगों का प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है मोहम्मद आसम दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बात ये क्लियर करना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करना है डिपेंडिंग अपॉन कि आप जिस फेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं यानी कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और अगर आप मान लीजिए आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं आप एडवांस लेवल पे आ चुके हैं तो आपका यहाँ पर क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बताऊंगा अब ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा क्योंकि मैंने अभी आपको पता है प्रारंभ चैनल के ऊपर ही मैंने एंशियंट हिस्ट्री पूरी पढ़वा दी है आर एस शर्मा एन पूरा पढ़ा दिया है फिर उसके बाद हमने सतीश चंद्रा एन को कवर कर लिया है यानी मेडिवल हिस्ट्री के लिए अब जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे दोनों प्रकार के सजेशन मिले कुछ स्टूडेंट्स थे कह रहे थे सर आप स्पेक्ट्रम पे सीधे आ जाइए आप स्पेक्ट्रम पढ़ा दीजिए पहले और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उनका कहना यह है कि नहीं सर आप एनसीईआरटी कराइए तो मैं सुरा सोचा कि आपको पहले एक बार गाइड करना जरूरी है सो so दैट आपके लिए भी क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए और आप भी कहीं कुछ गलत तरीके से चीजों को आगे ना बढ़िए देखिए अगर आप फर्स्ट ईयर में इसका मतलब यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम तो मैं आपसे यही कहूंगा कि डोंट जस्ट रन कि मुझे सिलेबस खत्म करना है है ना आप ही जो कि सीधे मैं स्पेक्ट्रम करिए खत्म कर दूं दैट्स इट ऐसा मत करिए मैं ये सजेस्ट करूंगा मेरा ये सजेशन रहेगा बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से अपने लेवल के हिसाब से देख सकते हो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है तो ठीक है बट मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है ये जो आपके पंद्रह चैप्टर्स हैं ओल्ड एनसीआर टी चंद्रा की जो है मॉडर्न हिस्ट्री की वो आपको करना चाहिए ये फिफ्टीन चैप्टर जो है वो आपके एकदम बेस को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बिल्ड कर देंगे बिकॉज यू हैव टाइम आप क्वालिटी के ऊपर इम्फोसाइज करिए जब आप एनसीआर से पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें जो है आपके दिमाग में बैठेंगी एक स्टोरी लाइन फॉर्म हो जाएगी उसके बाद जब आप ये स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स को पढ़ोगे तो आपके लिए उन बुक्स को ग्रेस्प करना या फिर उनको अपने दिमाग में फिट करना और आसान हो जाएगा ठीक है तो हर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग जब भी बनती है तो उसका एक अच्छा फाउंडेशन होना जरूरी है है ना हम अभी हम, हमेशा एक स्ट्रांग नीव की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में चाहे वो प्रिलिम्स का एंगल हो चाहे वो मेन्स का एंगल हो है ना दोनों ही आस्पेक्ट्स में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इससे काफी सवाल भी आते रहे तो इसलिए चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसका

दिस हिस्ट्री जोग्रफी वाला पोर्शन उसमें जी एस वन में अंदर आप देखोगे तो हेर यू विल फाइंड इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर यानी कि आर्ट एंड कल्चर की बात होती है ठीक है फिर उसके बाद हिस्ट्री तो ये पोर्शन तो आपका हो गया जो मतलब मेरा वाला पोर्शन है जहाँ पर कल्चर और हिस्ट्री एंशंट मेडिवल मॉडर्न सब है राइट और एक पोर्शन हो गया जहाँ पर हम जोग्राफी की बात करते हैं ऑफ दर्ल्ड ठीक है एंड सोसाइटी तो बेसिकली मैं आपको एक बार हिस्ट्री के ऊपर दिखाना चाहता हूँ क्या, क्या लिखा हुआ आप इसको माइन्यूटली सिलेबस को ऑब्जर्व करेंगे तो मेन्स के अंदर आपको कोई भी वर्ड मेडिवल से लिखा हुआ नहीं मिलेगा कोई भी वर्ड आपको एंशेंट की पॉलिटिकल एंशंट से लिखा हुआ नहीं दिखता है मेंस के अंदर आप देखिए क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है यहाँ पर मॉडर्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द एटीन सेंचुरी है ना तो जब हम एटीन सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब बट ऑब्वियसली बात है हम सेवेंटीन के आसपास की बात कर रहे हैं ठीक है मिडिल ऑफ द एटीन सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट अंटिल द प्रेजेंट यानी आज तक की जिसमें ऑब्वियसली uh, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिनारियो है वो भी कवर हो जाएगा यानी कि आजादी के बाद क्या सिनारियो रहा कैसे हम यहाँ पर consolidation, consolidation करते हैं इंडिया का ये सब रहता है ठीक है और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपको जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो बात है वो यहां पर पूरी पूरी रहेगी यानी कि ऑब्वियसली जो वेरियस स्टेजेस थे एंड वेरियस यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी कंट्री से जो हमारे भारत की आजादी में आते हैं वो यहाँ पढ़ाए जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पर हम जब तो बात करते हैं तो इट इज़ अ फेज बिटवीन सेवनटीन टू अप्रोसीन फिफ्टी And here you will find freedom struggle की बात जब हो हो रही है है तो it is 1857 to 1947 कुछ ऐसा आप समझ सकते मोटे मोटे तौर पे कहीं लिखा नहीं है, हम उसको ऐसे करके कर रख सकते हैं तो तो उसके बाद आप आप देखिए पर पर की बात हो जाती है and then नीचे आप जाओगे तो वहाँ पर हम लोग को जोग्रफी का पोर्शन लगता है तो हमने कवर कर ली है. के अंदर, जैसे मैं आपको बता चुका हूं आर एस शर्मा की बुक इज अ गुड सोर्स फॉर एंशंट हिस्ट्री वो हमने यहाँ पर कवर कर ली है अगर इसके बाद भी आपके पास वक्त है आपके पास समय है तो मैं कहूँगा कि आर्यश शर्मा के बाद आप उपेंद्र सिंह की किताब उठा सकते हो मैं अभी डी यू गया था कल के कल की बात है टेंथ सेप्टेम्बर को ही तो डी यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले जिनका अगर जहाँ पर उनका ये हिस्ट्री था तो उन्होंने कहा कि हमें कॉलेज में उपेंद्र सिंह की किताब ही बोली गई है अब उपेंद्र सिंह का किताब का लेवल इतना है कि अगर आप उस किताब को पढ़ते हो तो आप ऑप्शनल्स की तरफ भी मूव कर जाओगे ईजीली उसका लेवल ये है तो आप सोचिए अगर आप बीए के अंदर ही इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका हिस्ट्री कितना अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकता है राइट एशियन मेडिकल मॉडर्न तीनों राइट और मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने आ, बी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस को आ, डेली यूनिवर्सिटी का बी ऑनर्स का जो कोर्स है उसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैंने, मैंने मैच करवाया था यूपीएससी से ठीक है और मैंने ये शो करने की कोशिश करी थी कि कैसे सिंक्रोनाइज है दोनों सिलेबस तो पॉइंट कि अगर आप जल्द इस बीए के दौरान ही अच्छे से पढ़ लेते हो वो एक तरह से जल्दी प्रिपरेशन शुरू करना ही हो गया इनडायरेक्टली आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो उस तरीके से पढ़ रहे हो कि मुझे वो यूपीएससी के अंदर फायदा दे तो वो आपके लिए एडवांटेज होगा अब हैविंग से हैविंग सीन दिस कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्या सिनारी अब मैं आपको आता हूं उन दो किताबों के ऊपर जो ये दो किताबें हमको बेसिकली इस पर्टिकुलर एन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़नी है अब देखिए एक तरफ आपको पता है कि जो ओल्ड एनसीआर है जिसके ऊपर काफी ज्यादा बातें होती हैं और अच्छा मतलब रिकमेंडेड होती है ये वाली आपकी ओल्ड एनसीआरटी है ठीक है पहले चलती थी अब नहीं चलती है ये ओल्ड है, है, और ये ओल्ड है 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 बाय बाय ठीक और बुक जो रिकमेंड करी जाती है बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज है ये इस बुक के अंदर आपको एक स्टोरी लाइन मिलेगी आपको एक स्टोरी लाइन यहां पर मिलेगी यानी कि आपको कहानी पता चलेगी कि इसके बाद क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ द स्टोरी फ्रॉम हियर विल स्टार्ट जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है औरंगजेब की बात क्या होता है तो कहानी यहां पर जहानंदर शाह की होगी कहानी यहाँ पर उसके नोबल नोबल जुल्फिकार खान के ऊपर होगी सैयद ब्रदर्स के ऊपर होगी सैयद ब्रदर्स ने किस प्रकार से और राजा महाराजाओं को बैठाया देवर द किंग मेकर राइट और फिर करते करते मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम आएगा नादिर शाह का इन्वेजन होगा इस प्रकार से ये यह कहानी यहाँ पर स्टार्ट होती है यहाँ पर शुरू होता है यानी डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर से स्टार्ट होता है लेकिन ये जो नई एन है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ये जो एन सी ये थीम्स के ऊपर बात करते हैं ये न्यू एनसीईआरटी है ठीक है ना ये आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है आपको मैं ये वाली एनसीईआरटी तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे मिल जाएगी इस वाली एनसीईआरटी का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और वो टेलीग्राम चैनल आई थिंक ठीक है ये है वो टेलीग्राम चैनल आप इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है और इस टेलीग्राम चैनल पे मैं उस ओल्ड एनसीईआरटी का वो जो ओल्ड एनसीआरटी है उसका पीडीएफ मैं यहां पर डाल दूंगा ठीक है ना सो so, मैं अभी क्या कर रहा हूं कि आई विल स्टार्ट विद दिस ओल्ड एनसीआरटी ओनली मैं बिपिन चंद्रा से ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग का बेस क्लियर हो है ना इतना बड़ा एग्जाम का प्रिपरेशन करने जा रहे हो अगर ये भी कंप्लीट करके चलोगे ना तो हमेशा एक दिल में ही रहेगा कि नहीं, मैंने करा हुआ है मैंने पढ़ा है ये मेरे पास स्टोरी लाइन एकदम क्लियर है इसके बाद क्या होगा कि इसी एनसीआर में आपको थोड़ा सा खींचना पड़ेगा उसको और बीच बीच में फैक्ट जो स्पेक्ट्रम में आएंगे वो आप लगाते रहिएगा अलग अलग जगह दैट्स इट ठीक है गा 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 it, इस प्रकार से हम लोग एंशंट मॉडर्न हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं तो मेरा जो यहाँ पर आउटलुक है वो कि बिपिन चंद्राम करेंगे ये फिफ्टीन चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पंद्रह चैप्टर को करेंगे उसके बाद ही हम यहाँ पर आगे कोई किताब के ऊपर मूव करेंगे और मेरा ये सजेशन है मेरा ये रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि इस चीज को पत्थर की लकीर मान के शुरू करिए पंद्रह चैप्टर्स का पेशेंस रखिए पंद्रह चैप्टर पढ़िए आई डोंट थिंक कि एन सी आर टी इस अच्छा बेस आप पढ़ोगे आपको इस किताब को पढ़ के बहुत मजा आएगा बिकॉज बहुत ही प्यारा बेस क्रिएट किया गया है एक एक लाइन इतनी प्यार समझाई गई है इतना अच्छा लिखा हुआ है कि मुझे कभी लगा नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इतना अच्छा कहीं आपको सोर्स मिलेगा ठीक है सो इट्स अ वेरी गुड सोर्स आई थिंक यू शुड स्टे यू स्टेक ऑन दिस ठीक है तो ये न्यू एन सी आर टी है सर इसका क्या रिलेवेंस है इसका रिलेवेंस ये है कि ये थीम्स के ऊपर बात करती है अब थीम्स के ऊपर क्या मतलब है मैं आपको भी दिखाता हूँ कि दोनों का कंटेंट

ठीक है अब एक बार मैं क्या करूंगा कि मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं इस वाली एन से आज का सेशन मैंने आपको इसलिए छोटा सा वीडियो दिया कि आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए हम बिपिन चंद्रा से स्टार्ट करेंगे बिपिन चंद्रा का एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड आई प्रोमिस यू दैट अगर आप इसको एक बार कर ले जाओगे इसके बाद आप दुनिया की कोई भी किताब उठाओगे यू डोंट नीड एनी सोर्स ऑफ कोचिंग एनी सोर्स ऑफ एनी 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 टाइप ऑफ कोचिंग एनी टाइप ऑफ हेल्प बिकॉज ये पढ़ने के बाद आप कोई भी किताब पढ़ोगे आपको ही रहेगा कि हाँ ये तो पढ़ा पढ़ा है इसका ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ में आ रहा है आपको बात को तो इसलिए एक बार इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है ठीक है उसके बाद आपके पास समय बचे तो मैं फिर भी कहूंगा कि आपको इस पर जम करना चाहिए और इस किताब को खत्म करने में बहुत समय नहीं लगाना है है ना जल्दी कवर करनी है देन अब मैं थोड़ा सा आपको जाऊंगा कि मैं सिलेबस से बात कर रहा हूं इंडेक्स से बात कर रहा हूं कि ये ओल्ड एनसीआर का इंडेक्स है जरा इसको भी एक बार यहां पर देख लेते हैं ये जो ओल्ड एनसीआर है ये ओल्ड एनसीआर का इंडेक्स देखिए आप स्टार्ट हो रहा है द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर से अब पूरा ही कहानी चलेगा मुगल अंपायर का डिक्लाइन हुआ उसके बाद जो इंडियन स्टेट्स यहाँ पर और निकल के आ रहे थे इन द एटीन सेंचुरी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करेंगे यहाँ पर माइसौर की है ना यहाँ पर कहानी हैदर अली और टीपू सुल्तान की डिस्कस होगी यहाँ पर कहानी मराठास की डिस्कस होगी है ना यहाँ पर कहानी मराठास की डिस्कस होगी यहां पर कहानी आप देखोगे तो और भी जो इंडियन स्टेट्स थे उनकी यहाँ पर कहानी बात होगी कि भाई ठीक है अब यहाँ डिक्लाइन हो गया मुगल अंपायर का फाइनलिटी इज एंडेड तो अब जो छोटे छोटे अब जो स्टेट्स थे उनका यहां पर राइज हो रहा है वो कैसे होता है फिर उसके बाद उसी दौरान यूरोपियंस आके सेटल होने लगते हैं ठीक है ये एक बड़ा यहां पर चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर थ्री चैप्टर नंबर फोर में जब यूरोपियन सेटल होते हैं स्टार्ट टू कॉन्सोडेट डमसिल्स और फिर उसके बाद ब्रिटिश कॉन्क्स्ट जो है भारत का स्टार्ट होता है दिस इज चैप्टर नंबर फोर यहां लिखा हुआ है एक्चुअली तो यहाँ पर यह चैप्टर फोर चैप्टर नंबर फाइव क्या है चैप्टर नंबर फाइव स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एपायर नाउ वंस द ब्रिटिश कॉन्क्स्ट इज डन वंस द ब्रिटिश हैज बीन हैजैब्लिश ब्रिटिश एम्पायर है इंडिया तो उनकी क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज थी उनकी क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ये हमको पढ़ा पढ़ना देखिए कितना सिंपल है आपका आउटलाइन एकदम क्लियर हो रहा है फिर उसके बाद उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या था अगेन इकोनॉमिक पॉलिसी और स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट सिस्टम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था हायरार्की क्या थी वो अगला चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन और, और सोशल और कल्चरल पॉलिसी क्या थी ठीक है ना इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर सात में आपको अगेन जो फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी था यानी कि 1800 से लेकर 1857 तक की बात हो रही है ठीक है फर्स्ट हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी उसमें सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग की बात होगी यहां पर बहुत सारे रिफॉर्मर्स की बात करेंगे हम लोग ठीक है रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होंगे फिर उसके बाद अल्टीमेटली फिर देखिए फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी मतलब हम यहां पर क्लोज कर देंगे इस चैप्टर को एटीन से पहले ठीक है ना बिफोर दैट ठीक है और उसके बाद रिवोल्ट ऑफ एटीन आता है एटीन के रिवोल्ट को पढ़ने के बाद वॉट आर द चेंजेस जो यहां पर किए गए थे Right? वो हम समझ लेंगे के रूल होने का फिर उसके बाद एक नया इंडिया का ग्रोथ होता है 1858 से लेकर 1905 एक अलग मूवमेंट है व्हाट वे द न्यू रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म एटीन के बाद होते हैं वो हम पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट जो नाइनटीन जीरो एंड देन स्ट्रगल फॉर स्वराज यानी कि फाइनल इंडिपेंडेंस की लड़ाई जो है वो यहाँ पर डिस्कस करिएगा ये आउट एक इंडेक्स रहेगा जो हम लोग यहां पर अगली क्लास से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरू करने वाले हैं प्रॉपर आपको समझ में आ रहा है दर इज अ टाइम है ना दर इज अ स्टोरी लाइन पॉइंट इस कहने का कि आपको इस किताब के अंदर स्टोरी लाइन एंड दैट इज वाई एम सेइंग कि आपको ना इस किताब से अच्छा बेस कोई भी किताब नहीं बना पाएगी इसलिए इस स्टोरी लाइन को आप लोग प्लीज फॉलो करिए मैं तो आप लोगों से कहूंगा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर मजा लेना है इस मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत प्यार से मजा आएगा बढ़िया बढ़िया कहानियाँ आपको मिलेंगी अच्छी अच्छी कहानियां मिलेंगी है ना वो यहां पर आप पहले कर लीजिए ठीक है लेकिन अब मैं आपको न्यू एनसीआर की बात करूं तो एक बार मैं उसका भी आपको जिक्र करूंगा थीम्स का एक्चुअली तीन पार्ट है जो तो थीम्स है इंडियन हिस्ट्री की इंडियन हिस्ट्री की पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट वन बेसिकली एंशियंट के ऊपर था पार्ट वन एंशियंट के ऊपर है देखिए आप ब्रिक्स बीड्स बोन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन ठीक है अब एक थीम है फिर उसके बाद देखिए अर्ली स्टेट्स एन इकोनॉमिक्स यानी कि जहां पर हड़प्पा एंड मो मगध यानी सब स्टेट्स फॉर्मेश फॉर्मेशन में लगता है फिर उसके बाद अर्ली सोसाइटीज 600 हंड्रेड बी से लेकर 600 हंड्रेड यानी कि समवेयर अराउंड आप गुप्ता पीरियड को भी क्लियर कर जाओगे वो सब हो गया एंड देन उसके बाद कल्चरल डेवलपमेंट जो इस पर्टिकुलर पीरियड में हुए तो ये पूरी एंशंट हिस्ट्री के यहाँ पर चार थीम्स के ऊपर चैप्टर्स दिए गए थीम नंबर फाइव में अब यहाँ पर ये जो है ये पूरा मेडिवल के ऊपर था ये मेडिबल के ऊपर एज यू कैन सी सींग इंडिया थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स ट्रावलर्स जितने ट्रैवलर्स इंडिया आए थे है ना हर्षवर्धन के टाइम पे एंड ऑल दोस्त हमें उसके बारे में पढ़ना है देन भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन हमने सब डिस्कस किया हुआ आप तो सोचिए सतीश चंद्र की एनसीआर कितना एट लेंथ हम डिस्कस करके आए हैं आप समझ रहे हो क्यों आपको बोला गया कि आप एंशियंट हिस्ट्री में आर एस शर्मा पढ़िए डू यू रियली थिंक ये किताब आपको शॉर्ट करा देती डू यू रियली थिंक ये किताब आपको इतना डिटेल में बता पाती थीम्स बता सकती है स्टोरी लाइन नहीं बता पाएगी और जब तक आप स्टोरी लाइन क्लियर नहीं करोगे अपनी तब तक आप थीम्स कैसे करोगे तो, तो दैट इज वाई ओल्ड एनसीआरटी रिकमेंड करी जाती है मेडिकल हिस्ट्री में आप देखिए यहां पर एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर अंपायर को लेकर यहां पर पूरा है इसी में आपको बहामनी किंगडम एंड ऑल दो थिंग्स यहां पर मिलेगा ठीक है एंड देन उसके बाद यहां पर पीजेंट जमींदार एन द स्टेट यानी कि मुगल अंपायर के टाइम पे वट वेयर द यहाँ पर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वो सब चीज़ें यहां पर समझ में आएंगी तो मुगल अंपायर तो आप देखिए यहां पर एक दो तीन चार जो थीम्स हैं उसमें यहां पर ये पूरी किताब निपटाई गई है तो आपको ऑफकोर्स समझ में आ रहा होगा दैट वेन वी हैव डन सतीश चंद्रा तो हमारा एक अच्छा कॉल था ठीक है हमारा एक अच्छा कॉल था आप सतीश चंद्रा की जगह आप ये भी कर सकते थे बट नहीं हमने सतीश चंद्रा किया बिकॉज वो एक स्टोरी लाइन बताती है मॉडर्न तो हाँ हाँ तो की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न में आप देखिए क्या के कैसे चैप्टर डिवाइड दो सौ से लेकर शुरू हो रहा है तीन सौ सोलह यानी कि लगभग लगभग विल फाइंड की किताब नाइनटी पेजेस के आसपास की बनी है ठीक है अब यहां पर थीम नाइन कोरोनलिज्म शुरू होता है यानी कि अंग्रेज आते हैं ठीक है एंड द कंट्री साइड यानी कि कैसा था कोरोनलिज्म अंग्रेजों का रूल ग्रामीण इलाकों में फिर उसके बाद जो रिवेल होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 फिर उसके बाद यहां पर महात्मा गांधी का अराइवल होता है एंड देन उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी बिगनिंग ऑफ न्यूरा तो इन चार थीम्स में यहां पर इस चैप्टर को कवर बुक को कवर किया गया तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि नई थीम नई एनसीआर और पुरानी एनसीआरटी में एक पुरानी एनसीआरटी हमें प्रॉपर स्टोरी लाइन देगी और हमें ईजिली पार्ट बाई पार्ट समझाएगी तो ये एक अच्छी चीज है ठीक है अब जो आप लोग स्पेक्ट्रम की बात करते हो मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम इज नेसेसरी इट इज इंपॉर्टेंट है ना इट इज मस्ट बुक इट इज मस्ट रेड बुक ठीक है इसमें कोई भी शक नहीं है कोई भी शक नहीं है इसमें यह पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप यहां पर फर्स्ट में है फर्स्ट में है आपके पास समय है तो आप प्लीज पहले बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए वो पंद्रह चैप्टर्स पढ़ लीजिए विपिन चंद्रा पढ़ लीजिए उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम की तरफ मूव करना चाहिए मैं आपको कह सकता हूं कि आपकी प्रिपरेशन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा क्योंकि दोस्त ये इसलिए बोल रहा हूं आप देख सकते हो कि मेन्स के सिलेबस के अंदर भी मॉडर्न हिस्ट्री का जिक्र लाइन से लिखा हुआ है यू विल नॉट फाइंड मेडिवल हिस्ट्री और इन और दो सवाल वहां से भी आ जाते हैं लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री स्पेसिफिकली मेंशनड है तो आपको इस सब इस पोर्शन को हिस्ट्री के बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है एंड दैट इज वाई अगेन वाई आई वॉन्ट टू से दैट यू शुड फर्स्ट टेक अप अपपिन चंद्रा इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ाना इसलिए विपिन चंद्रा की तारीफ कर रहा हूं आप कहीं भी देखोगे एनसीआरटी को आप रिप्लेस मत करिए प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप आई बनने का ख्वाब देख रहे हो है ना आप देश चलाने की बात कर रहे हो यू के नॉट टेक शॉर्टकट्स ठीक है मैं इसको बिना पढ़े यहां पर कर सकता हूं कर लो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर बेस बना लोगे पंद्रह चैप्टर्स का कोई बुराई नहीं है कोई हर्ज नहीं है कुछ न्याय सीख के जाओगे कुछ खाटा नहीं होगा है ना तो अगर वही है तो टाइम है तो और अगर मान लीजिए आप थर्ड ईयर में है आप अपने आपका फाइनल ईयर है ठीक है आप फाइनल ईयर में है आपको अपियरिंग में एग्जाम देना है तो मैं कह सकता हूं ठीक है यू कैन गो बट स्टिल मतलब जो फाइनल ईयर में भी होते हैं मैं तो कहूँगा कि पंद्रह चैप्टर उनको पढ़ने के लिए इट विल नॉट टेक मोर देन फिफ्टीन डेज तो पंद्रह दिन का समय आप निकाल सकते हो फिर भी आपको पढ़ना चाहिए विपिन चंद्रा मैं तो यही कहूंगा क्योंकि वो किताब इजी

ये चीज़ अच्छी है क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर भी आपको लैंग्वेज यूज़ करने का आपको लैंग्वेज जो लिखी है विपिन चंद्रा में वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है ठीक है तो यहाँ पर आई होप इतना अच्छा बात था तो तरीका अपना यहाँ पर यही रहने वाला है वॉट यू विल डू इज वी आर बेसिकली गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विद विपिन चंद्रा एंड देन उसके बाद हम लोग आगे दूसरे बुक्स को स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करेंगे ठीक है सो आई होप द थिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलिए फिर मुलाकात करते हैं और अपने अगली क्लास में शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को बिपिन चंद्रा को एंड आई एम श्योर आप मेरी बात से यहाँ पर अलाइन हुए होगे और इसको हम लोग फॉलो करेंगे एंड आई एम रियली वेरी मच पॉजिटिव दैट एक बार आप ये किताब को पढ़ना शुरू करोगे आपको मज़ा बहुत आएगा और कहानी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगी ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड पढ़ाई करिए मेहनत करते रहिए मिलते हैं क्लास के अंदर जय हिंद एंड जय भारत